मुलुंड नाके पर, और जिस तरह से लॉकडाउन का असर अब बहुत ज्यादा नजर आने लगा है, मेरे पीछे है मुलुंड चेक नाका। यहाँ से थाने महानगर पालिका की हद खत्म हो जाती है आगे जाकर। तो जिस तरह से देख रहे हैं आप, ये मुलुंड चेक नाका एक इस चेक नाके की ये तारीख रही है कि यहाँ से कोई भी गाड़ी चेक नाका, यानी कि कोई भी गाड़ी चेकिंग के बगैर नहीं गुजर सकती। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर लॉकडाउन का असर देख रहे हैं आप, पूरी तरह से ये सिर्फ गिनी चुनी गाड़ियों के अलावा यहाँ से गुजरने ही नहीं दिया जा रहा। दूसरी चीज ये कि इस लॉकडाउन को कामयाब बनाने में जो पुलिस प्रशासन का जो रोल रहा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में जो सिर्फ 4,000 या 4 से 5,000 के अंदर केसेस है इटली के मुकाबले में, विकसित देशों के मुकाबले में, वो सिर्फ आज यहाँ रुका हुआ है। अब तक तो वो सिर्फ पुलिस प्रशासन की वजह से, ये इनकी सख्ती का असर है कि लोग अपने घरों में हैं और महफूज है। तो इसी तरह से प्रशासन का हौसला बढ़ाना हमारा जिम्मेदारी बनते हैं। तो आइए बात करेंगे उन लोगों से कि किस तरह के हालात है इस वक्त और क्या उनकी रणनीति है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने आपको दहिसर बताया, इस वक्त मुलिन चेक नगा है सर, जिस तरह से घर बार छोड़ के आप लोग लगे हुए देख रहे हैं, इस वक्त भी आप मील नाश्ता कर रहे हैं इस वक्त सर। जो कोरोना की महामारी है, हम देख रहे हैं कि विकसित देशों में भारत से ज़्यादा इतना फैल गया, लेकिन यहाँ पर अब भी इस हद तक कंट्रोल में है सर। पुलिस प्रशासन की तारीफ बहुत ज़रूरी बनती है कि इनकी सख्ती, आपकी सख्ती, आप लोगों का जो आपने जिस तरह का रोल निभाया है इसमें, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। क्या अपील करेंगे सर जनता से कि किस तरह का उनको करना चाहिए? अभी भी कुछ गाड़ियां नजर आ रही है, क्या कहेंगे उन लोगों से जो अब भी निकल रहे हैं? जनता ने इतना भारत सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को इतना सपोर्ट करना चाहिए कि ये बीमारी फैलती है उसको कैसा तो रोक लगाना चाहिए। इसके लिए आपने बाहर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि इसको पिकनिक पॉइंट बना के रखा है आम जनता ने। जो छुट्टी दिया है गवर्नमेंट ने, वो घर में बैठने के लिए और ये बीमारी के लिए, बीमारी की रोकने के लिए। तो ये जनता जितना चाहे उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए इतना फैल रही है। इसको और भी रोकना है तो घर में बैठना जरूरी है। सर ड्यूटी कितने वक्त हो रही है आपकी, डबल हो रही है या? नहीं, हमारे तो 12-13 घंटा ड्यूटी होती है, और ड्यूटी करते वक्त इस वक्त तो हमको कुछ परेशानी नहीं आ रही है, क्योंकि जनता का सेवा करना ये हमारा ये पहला मौका है। सहयोग मिल रहा है ना जनता से? ज्यादातर सहयोग मिल रहा है, कुछ ही लोग है जो 90% तो सहयोग मिल रहा है, 90% सहयोग है जनता का। बराबर, लॉकडाउन को कामयाब माना जाए। और अगर लोग 10% और भी घर में बैठते हैं तो ये पूरा बीमारी रुक जाएगा, और हमको एक ही नहीं, ये बीमारी रुक सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ मुलुंड चेक नाके पे, और मेरे साथ में जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस वक्त भी देखिए किस तरह से, 3 बज रहे हैं दोपहर के, धूप का वक्त है, आमतौर पे कोई जल्दी बाहर नहीं निकलता। और हमारे साथ में हमारी जो महिला पुलिस है वो भी पूरे मुस्तैदी से लगे हुए हैं। तो पुलिस प्रशासन का जो रोल रहा है इसमें, जो इस वक्त पुलिस प्रशासन का रोल रहा है, मैं कहूँगा कि दिखाया जाए, ये बेहतरीन रोल रहा है पुलिस प्रशासन का इस वक्त हमारे साथ में। और जो सहयोग किया है, तो जनता से इनकी यही अपील है कि 90% जो जनता है इनका सपोर्ट कर रही है, और ये और अपील कर रहे हैं कि 10% भी आप रुके तो जल्द से जल्द इस महामारी को, इस खतरनाक बीमारी को से लड़ा जा सकता है। और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के साथ जो लोग इस बीमारी के लड़ने के लिए लगे हुए, उन सबको हमारे नजर इंडिया न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत सैल्यूट है, बहुत बहुत शुक्रिया।